नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी कुलदीप मेघवाल। आज का जो विषय हमारा जो टोक्यो ओलंपिक था उसके बारे में है। शारीरिक शिक्षा के जो स्टूडेंट हैं या जो भी विद्यार्थी किसी परीक्षा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा जो खेल शिक्षा से संबंधित हम आपके लिए नई नई जानकारियाँ खेल के बारे में लेकर आते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ओलंपिक्स होते हैं उनमें अब तक भारत ने कितने मेडल प्राप्त किए हैं और उसके बारे में आज का विषय हमारा ओलंपिक्स के बारे में। आज ओलंपिक्स गेम, ओलंपिक्स खेल या से बोले ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेलों में भारत का क्या योगदान है, ओलंपिक खेलों में भारत ने अब तक कौन कितने मेडल प्राप्त किए हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, भारत ने पहला जो मेडल है, भारत की ओलंपिक स्थिति में जो स्थिति है आप सबको पता है, बताने की तो जरूरत है नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है भारत ने अब तक कितने मेडल प्राप्त किए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। सबसे पहले बात करते हैं कि 1928 में भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीता था भाई। 1928 में भारत ने पहला गोल्ड मेडल, एकमात्र गोल्ड मेडल एमस्टर्डम, कहाँ गए थे, एमस्टर्डम ओलंपिक्स में 1928 में हुए थे। अब बात करते हैं कि भारत ने आखिरी बार गोल्ड मेडल कब जीता था, तो भाई 2004 में एथेंस ओलंपिक्स में हुए थे और आखिरी में एथेंस में किसने जीता था। सबसे इम्पोर्टेंट बात है भारतीय शूटिंग में एकलव्य एकमात्र सिंगल्स गेम होते हैं उसमें शूटिंग में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन थे, सबसे इम्पोर्टेंट है अभिनव बिंद्रा जिन्होंने भारतीय शूटिंग्स में पहला गोल्ड मेडल जीता। अब बात करते हैं आखिरी गोल्ड मेडल किसने जीता, टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के एथलेटिक्स इवेंट्स में नीरज चोपड़ा ने इवेंट का भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है 2021 में। सबसे पहले बात करते हैं भारत ने अब से लेकर और जब से गेम में भाग लिया ओलंपिक्स में उस समय से टोटल मेडल कितने जीते हैं, इनकी टैली क्या है, इस विषय में हम पढ़ेंगे। भी भारत के कुल मेडल, कुल पदक कितने हैं, कौन कौन से हैं। पहली बात करते हैं गोल्ड की, फिर आता है सिल्वर, अब बात करते हैं ब्रॉन्ज मेडल और गोल्ड मेडल। भारत ने कुल 35 मेडल प्राप्त किए हैं अब से लेकर और जब से ओलंपिक में भाग लिया है, टोटल मेडल भारत ने 35 मेडल प्राप्त किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत ने टोटल मेडल कितने जीते हैं, टोटल मेडल गोल्ड, तो टोटल मेडल भारत ने 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। अब बात करते हैं भारत ने सिल्वर मेडल कितने प्राप्त किए हैं ओलंपिक्स में, तो 9 सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं। अब नेक्स्ट हमारा बात करते हैं भारत ने ब्रॉन्ज मेडल कितने प्राप्त किए हैं, तो वह ब्रॉन्ज मेडल कितने प्राप्त किए हैं, अब तक 16 मेडल प्राप्त किए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे आसान तरीका याद रखने की, भारत ने किन किन लोगों ने, किन किन व्यक्तियों ने, किन किन खिलाड़ियों ने अब तक गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये कि टोटल गोल्ड मेडल कितने जीते और किस किस ने जीते। ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है दिमाग पर, सीधी सी बात है, तीन बात याद रखियो। पहला 8 और टाइम तो हॉकी ने जीते थे गोल्ड मेडल, और 2 टाइम जीता है अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीत करके एक इतिहास रचा एथेंस ओलंपिक 2004 में, और आखिरी बार गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने कहाँ जीता,
टोक्यो ओलंपिक्स में 7 अगस्त 2021 में गोल्ड मेडल जीता। अब बात करते हैं भाई इंडिया के जो प्लेयर हैं कैसे पिछड़ जाते हैं। इंडिया के जो प्लेयर हैं ने 9 सिल्वर्स मेडल जीते हैं, सिल्वर्स मेडल भारत ने अब तक ओलंपिक्स में जब से भाग लिया था 9 मेडल जीते हैं। विश्व की आबादी की बात करें तो भारत में दूसरा नंबर की आबादी है। अगर हम गेम की बात करें तो भाई गेम में अपनी स्थिति आप सब ने मेरा है भाई कैसे सिचुएशन है। अब बात करते हैं ओलंपिक्स में तो ब्रॉन्ज मेडल इंडिया में कितने हैं, 16 मेडल प्राप्त किए हैं। गोल्ड मेडल को याद रखना सबसे ज़्यादा आसान तरीका है। हॉकी ने अब तक कितने मेडल प्राप्त किए हैं गोल्ड मेडल की बात करें तो भी 8 मेडल प्राप्त किए हैं इससे पहले। और अभिनव बिंद्रा ने भाई 1 मेडल प्राप्त किया गोल्ड मेडल। और भाई नीरज चोपड़ा ने अब तक के इतिहास में एथलेटिक्स इवेंट में सबसे पहले पहला गोल्ड मेडल जीत करके एक इतिहास स्थापित कर दिया और एक गोल्ड मेडल जीत करके भारत में एक नया इतिहास बना दिया। अब ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल याद करने का सबसे आसान तरीका है, पहले 8 गोल्ड मेडल इंडियन हॉकी टीम के नाम है। अभिनव बिंद्रा शूटिंग से हैं और नीरज चोपड़ा भी हरियाणा से ही हैं। अब बात करते हैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत ने पहली बार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल कब जीता था, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। पहली बार गोल्ड मेडल 1928 में ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल जीता था, किस में जीता था, हॉकी में जीता था भाई। अब पूछा जाता है आखिरी में गोल्ड मेडल किसने जीता भाई, सबसे लास्ट में तो भाई नहीं ऐसा है। एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल भारत में किसने जीता, एकमात्र प्लेयर है हरियाणा के नीरज चोपड़ा जिन्होंने एथलेटिक्स इवेंट में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता। और इन्हें भाला फेंक में कितने मिनट फेंका, 87.58 मीटर भाला फेंक करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया और देश की हिस्ट्री में एक अपना नाम स्थापित किया जिसके तहत हर गेम का संबंध हरियाणा से है। और हरियाणा की बात न करके एक ओलंपिक्स में एक अच्छा स्थान प्राप्त किया। और टोक्यो ओलंपिक्स की में बात करें सबसे ज़्यादा हिस्ट्री बनाने वाला आपकी बात, टोक्यो ओलंपिक हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ, बहुत ही अच्छा साबित हुआ क्योंकि इसमें हमने अब तक के 7 मेडल जीत कर लिए। हम भविष्य में कामना करते हैं कि जो 24 में जो ओलंपिक होने वाले हैं उसमें भारत अपनी स्थिति को सुधारे तथा इन मेडलों की जो संख्या है वो दोगुनी हो जाए। हम ऐसी भगवान से कामना करते हैं और भगवान से प्रार्थना ये भी करते हैं कि स्थिति में नीरज चोपड़ा भविष्य में अपनी स्थिति को बरकरार रखे तथा हम उसे दोबारा भी गोल्ड मेडल की आस करते हैं।